Hi everyone and welcome back to my channel. Friends, मेरी आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कैसे आप आपकी स्किन से इजीली डार्क स्पॉट्स, ब्राउन स्पॉट्स, एक्ने पिंपल्स, स्कर्स और हाइपर पिगमेंटेशन रिमूव कर सकते हैं वो भी घरेलू सामानों से. So let's quickly see how you can do this at your home. तो इस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 टीस्पून पोटैटो जूस. पोटैटो जूस बनाने के लिए आप सबसे पहले पोटैटो को पील ऑफ करके ग्रेट कर लीजिए या फिर ब्लेंडर में डाल के भी इसे कद्दूकस कर सकते हैं. फिर उसे स्ट्रेनर की मदद से उसका जूस निकाल लीजिए. नेक्स्ट हमें चाहिए 1 टीस्पून हनी. नेक्स्ट हमें चाहिए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आमंड ऑयल. अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप आमंड ऑयल को स्किप कर सकते हैं. एंड लास्टली हमें चाहिए लेमन जूस 1 टीस्पून. अगेन आपकी स्किन अगर ड्राई है तो आप लेमन जूस को स्किप कर सकते हैं. तो हमारी पैक अभी तैयार है, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और कोई भी कॉटन बॉल से इसे अपनी फेस पर अप्लाई कर लीजिए. पोटैटो जूस में नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट्स होती है जो आपकी स्किन से डार्क स्पॉट्स और ब्लेमिशेस या फिर कोई भी दाग धब्बे इजीली दूर कर देती है और इसकी ब्लीचिंग एजेंट्स हमारी स्किन को ग्लोइंग बना देती है. हनी में नेचुरल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारी स्किन से बैक्टीरिया और डर्ट को रिमूव करती है और इसमें भी माइल्ड ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारी स्किन को ब्लीच करती है नेचुरली और हमारी स्किन को मॉइस्चराइज भी करती है नेचुरली. आलमंड ऑयल स्किन को वेल नरिश करती है और स्किन को स्मूथ एंड सपल बनाती है, इवन बनाती है और ये भी हमारी स्किन को वेल मॉइस्चराइज करती है. लेमन जूस की साइट्रिक एसिड स्किन को ब्लीच करती है और स्किन से एक्सेस ऑयल को रिमूव करती है और इसकी रेगुलर यूज से हमारी स्किन फेयर बनती है. इस पैक को लगाने के बाद 20 मिनट्स तक वेट कीजिए और 20 मिनट्स के बाद स्किन को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए. एंड फ्रेंड्स, वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं पहले ही यूज़ से मेरी स्किन पहले से काफ़ी ग्लोइंग हो गई है. अभी मेरी फेस पर कोई मेकअप नहीं है, बस मैंने इस पैक को वॉश कर लिया अपनी फेस से और पोंछ लिया फेस को. अपनी फेस से डार्क स्पॉट्स या फिर ब्लेमिशेस को जल्दी दूर करने के लिए आप इस पैक को डेली यूज़ कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कोई क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा आगे से और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.